हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय कुछ जरूरी से बातें ध्यान में रखनी पड़ती है आपको। उसी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखेगा। साथ ही साथ वीडियो को आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा इंट्रो पीडीएफ ईबुक का देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको यह बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 से लेकर 5 ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको जरूर से ध्यान देनी होती है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो। पॉइंट नंबर 1, लोन लेके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन कभी भी ना करवाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पहले ही कुछ पोल्ट्री का एक्सपीरियंस है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के पहले कहीं से रेंट पे पोल्ट्री फार्म लेके पोल्ट्री फार्मिंग की होगी 1.5 साल 2 साल तक की, 3 4 5 6 बैचेस का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर आपका उन बैचेस में 1.5 FCR या फिर 1.6 FCR जो भी ब्रॉयलर का होता है अगर वो मेंटेन हो रहा होगा, और ओवरऑल पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा आया होगा तो ही जाकर आप लोन लेके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाए कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। क्योंकि अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो, 2 से लेकर 3 पोल्ट्री फार्मर से बात करने के बाद या फिर यूट्यूब पर के वीडियोस देखने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए आप डायरेक्ट लोन लेके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो हो सकता है कि 1.5 साल में 2 साल में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके हिसाब से अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। तो आपको किस हिसाब से एक्सपीरियंस आएगा उसका आपको पता नहीं होता एक नए पर्सन को। इसलिए अगर आपको पहले से ही पोल्ट्री फार्म का एक्सपीरियंस है तो ही सिर्फ लोन लेके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाए। क्योंकि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सोचते हो तो मिनिमम आपको 5,000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करवाना होता है, तो उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, मिनिमम 8 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपीज़। तो ये बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक तो एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले रेंट से पोल्ट्री फार्म लेके, ठीक है ना, एक पहले एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस आया तो ही सिर्फ लोन लेके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसके पहले नहीं करवाना है। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते समय पूरी तरह कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि कंपनी अपना फायदा देख रही है और एज अ पोल्ट्री फार्मर आप अपना फायदा देख रहे हो। कंपनी को जैसे आपसे पोल्ट्री फार्म में फायदा निकलना बंद हो जाएगा तो आपको चिक्स देना बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये 100% आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपका FCR बिगड़ गया, आपके बैच में मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, एक तो कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देगी या फिर आपको 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के चिक्स प्रोवाइड नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बातें होती है, ये बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड हो गए कि भैया मैं अभी 12-15 लाख का इन्वेस्ट करके पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवा लेता हूँ और साल भर में 6 बैचेस 7 बैचेस निकलवा के अच्छे से प्रॉफिट कमाता हूँ, तो इस तरीके से भी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड ना रहें। अगर कंपनी आपको किसी कारणवश FCR मेंटेन ना हो पाने की वजह से या फिर मोर्टेलिटी ज़्यादा होने की वजह से चिक्स प्रोवाइड नहीं भी करती, तो आपके पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए कि आप खुद ही प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग अपने शेड पे करा सको। क्योंकि जब भी आप लोन से पोल्ट्री फार्म का शेड कंस्ट्रक्ट करवाते हो और अगर 2 महीने तक के आपको कंपनी चिक्स प्रोवाइड नहीं कराती तो आपको अपने जेब से जो भी लोन की EMI होती है वो पेड करनी पड़ती है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते, तो ये बात का आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपी सुपरवाइजर से जरूर से मांग ले। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप एग्रीमेंट कंपनी से कराते हो तो कंपनी एज अ सुपरवाइजर के थ्रू आपसे पैन कार्ड, ब्लैंक फोटो कॉपी सब मंगवा लेती है। आपकी जो भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सभी की सब वो मांग लेती है, लेकिन आउटपुट के तौर पर आपको प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराती। तो ऐसे में जो भी जेरोक्स कॉपी होती है एक एग्रीमेंट की, वो सुपरवाइजर से आपको मांग लेना है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वो एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वेंकी, सगुना, इंडियन ब्रॉयलर जैसी कंपनियां जो थी, ये ज़्यादातर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस आउट नहीं कराती, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारी नई नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां भी आ चुकी है
और सगुना, इंडियन ब्रॉयलर और वेंकी जैसी कंपनी से कॉन्टैक्ट ना हो पाने की वजह से, या फिर जो भी पोल्ट्री फार्मर करना चाहता है उनके एरिया में ये कंपनियों के कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से वो कंपनी ये एक पोल्ट्री फार्मर को कॉन्टैक्ट नहीं देती। ऐसे में जो भी एक पोल्ट्री फार्मर होता है वो जो नई नई पोल्ट्री फार्मिंग जो कंपनी होती है जो कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराती है उनसे कॉन्टैक्ट करवा लेता है। तो जो भी एक नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो कंपनी होती है वो नया नया सेटअप होते समय उनका मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में वो आपको साल भर में सिर्फ 4 बैचेस या फिर 5 बैचेस या फिर आपका पेमेंट रेगुलर ना देना, इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। इसके लिए एग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपी आप जरूर से कॉन्ट्रैक्ट करते समय उनके सुपरवाइजर से जरूर से मांग लीजिए। पॉइंट नंबर 4, सालाना मिनिमम कितने बैचेस आपको कंपनी देगी वो एक बार क्लियर कर लीजिए। या दोस्तों जैसे आप एग्रीमेंट करोगे जो भी उनका सुपरवाइजर होता है जो भी उनका ऑफिस होता है वहां पर जाकर आप सीधे तौर पर उनसे बात कीजिए कि मिनिमम मुझे साल भर में कितने बैच आप प्रोवाइड कराओगे। वैसे तो वो एग्रीमेंट में लिख के रहता है लेकिन आपके क्लेरिफिकेशन के लिए आप एक बार उनके सुपरवाइजर से बात जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि तो मैनेजमेंट अगर नए कंपनी का बराबर से नहीं हुआ तो साल भर में सिर्फ आपको 4 ही बैचेस प्रोवाइड करेगी तो आपको उतना खासा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आपको मिनिमम 6 बैचेस मिलने ही चाहिए साल भर में। ऐसी बात सुपरवाइजर या फिर जो भी उनका अपर लेवल का एक ऑफिसर होता है उनसे बात जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। मैनेजमेंट की गलती की वजह से या फिर फीड मैन्युफैक्चरिंग ना होना, हैचरी से चिक्स की अवेलेबिलिटी कम आना, इसके वजह से कभी कभार नई जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज होती है वो आपको चिक्स प्रोवाइड प्रॉपरली वक्त पे नहीं करती या फिर फीड वक्त पे नहीं भेजती। कभी कभार तो जो भी एक छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज होती है वो बड़े कंपनियों से, हैचरी कंपनियों से चिक्स लेती है। अगर उस हैचरी के तरफ प्रॉपरली अवेलेबिलिटी या फिर हैचरबिलिटी नहीं आई तो ऐसे समय में आपको एक एक महीना डेढ़ डेढ़ आपका पोल्ट्री शेड खाली रखना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं पूरा आती है तो इसलिए एक बार सीधे तौर पर बात कर लीजिए कि मिनिमम मुझे 6 बैचेस तो साल भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मिलनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉफिट पूरी तरह एफसीआर पर डिपेंड होता है। जो भी रेयरिंग चार्जेस मतलब मुर्गियों को पालने का जो भी चार्जेस पर केजी के पीछे आपको कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देती है वो पूरी तरह एफसीआर पर डिपेंड होता है। अगर आपका एफसीआर बढ़ गया, आपकी मोर्टैलिटी बढ़ गई तो जो भी 5 रुपये से लेकर 6 रुपये पर केजी कंपनी आपको देने वाली है उसमें से वो प्रॉफिट माइनस कर लेगी। वो खुद का प्रॉफिट कभी भी माइनस नहीं कराएगी, वो आपके प्रॉफिट से पैसे काटेगी। जा दोस्तों जो 5 रुपये या फिर 6 रुपये बेसिक चार्जेस आपको देने वाले प्रति केजी के पीछे अब जाकर वो आपको 3.5 रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देगी। अगर इनकेस आपका एफसीआर काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ और आपके जो भी फीडबैक्स वगैरह अगर वो बचे तो आपको बोनस भी मिलता है, तब जाकर पर केजी आपको 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये तक के भी आपका प्रॉफिट जाता है। मैं ये बात को भी मानता हूँ लेकिन यही बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप एफसीआर कोई भी हालत में मेंटेन जरूर कीजिएगा। कंपनी बिल्कुल भी सोचेगी नहीं आपके बारे में कि आपका एफसीआर बिगड़ गया, मोटेटी ज़्यादा होगी फिर भी आपको 5 रुपये लेकर 6 रुपये दूंगा। वो आपसे पैसे काटेगी, आपको पेमेंट सिर्फ 3.5 रुपये से लेकर 4 रुपये पर केजी के हिसाब से ही देगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय ध्यान में देनी होती है।